तुम्हें देखकर मुझे नेपोलियन की याद आती है। नेपोलियन की याद आती है तुम्हें? वो कब का मर चुका है ना, इसीलिए तो तुम्हें देखकर मुझे नेपोलियन की याद आती है। आज एक भी प्रेमी जोड़े बच के नहीं जाने चाहिए। ठीक है विकास, तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। मिल गया जोड़ा। ए, तुम दोनों पार्क में ऐसे नहीं बैठ सकते हो, तो भरपूर कुटाई होगी तुम्हारी। भैया हम दोनों शादीशुदा है। तो घर में जाकर बैठो, बाकी का होमवर्क वहीं पूरा करना। पर इसका पति और मेरा पत्नी नहीं मानेंगे। नो 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 नो। इस गरीब को आटा दे, चावल दे, धनिया प्याज लहसुन सब दे रे बाबा, दो दिन से भूखा हूँ रे भाई। वही तो रामजी वाले होंगे जो हमको खाना देंगे रे। भूखे को खाना दे रे माई। मुझे अफसोस है कि तुम हट्टे कट्टे होके भीख मांग रहे हो। आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने का यही बढ़िया तरीका है, नहीं तो छड़कानी समझकर लोग पीट देते थे हमको। शक्ल से लटको तो लगती ही हो। ए हसीना। अरे बाप रे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? इस गली में मेरा रोज का एक चक्कर है, इसलिए हमको सब पता है कि कौन हसीना है कौन ब्यूटी। कुछ खाने को है मैडम तो दीजिए ना, बहुत जोर की भूख लगी है। है तो ये पूरा थरकी, मगर इंसानियत के नाते से खिलाना ही पड़ेगा। आओ अंदर, भूखे को एक समय का खाना खिला ही सकती हूँ। आओ। आओ। इंसान सिर्फ रोटी से ही जिंदा नहीं रहता हसीना जी, जिंदा रहने के लिए उसे और भी कुछ चीजों की जरूरत होती है। और क्या चाहिए तुमको? क्या तुम मेरे साथ घर बसा सकती हो कमीना भिखारी थरकी? हेलो गाइस, भाई बिग मैनेजर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।